मिक्स सॉस पास्ता बनाएंगे आज बिना मैदे और बिना दूध या क्रीम के। इसके लिए पूरी रेसिपी देखें बिना स्किप किए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। पास्ता बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। सबसे पहले लेंगे कढ़ाई या पतीला, उसमें डालेंगे 1 लीटर पानी और इसमें डालेंगे हम पास्ता। पास्ता हम अभी नहीं डालेंगे, जब पानी बॉयल होगा तब हम पास्ता डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, 1 चम्मच नमक और अब इसमें डालेंगे पास्ता। 1 लीटर पानी मैंने लिया है, 2 कप पास्ता। मैंने ये शेल पास्ता यूज़ किया है, आप कोई भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। अब 7 से 8 मिनट के लिए इसे हम हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। इसे हम ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे, इसे हम 80-85% ही कुक करेंगे और बाकी जो होगा हमारा पास्ता में ये कुक हो जाएगा। ये देखिए, ओवर कुक नहीं करना, हल्का सा कच्चा रहने देना है। इसे हम एक स्ट्रेनर में डाल देंगे और जो इसका ये पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हमें सॉस में यूज़ करना है। इसे हम साइड करके रख देंगे और पास्ता के ऊपर डाल देंगे हम ठंडा पानी ताकि उसकी कुकिंग स्टॉप हो जाए और थोड़ा सा लगा देंगे ऑयल और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम एक रेड सॉस रेडी करते हैं। मिक्सर जार में हम लेंगे 3 टमाटर, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और फिर हम लेंगे 1 कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, जो हमने टमाटर को ग्राइंड किया है वो हम इसमें डालेंगे और 1/2 चम्मच डालेंगे नमक और 2 चम्मच भर के डालेंगे हम इसमें शेजवान चटनी और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए। देखिए, मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है और इसे हम एक बोल में निकाल के रख लेते हैं। इसे आप 7 से 8 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। मेरे चैनल पर मिलेंगी आपको हर तरह की वीडियोज़ और शॉर्ट्स। अब फटाफट से पास्ता भी बना लेते हैं। 1 कढ़ाई में लेंगे 1 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा बटर, 1 कटा हुआ प्याज, इसे हल्का सा भून लेंगे और मैंने ये लिए हैं 3 कलर की शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम और बेल पेपर्स, इसे भी डाल देंगे। थोड़े से डाल देंगे स्वीट कॉर्न और अच्छे से हम इसे भून लेंगे। सब्जियों को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का क्रंच रहना चाहिए। जो हमने सॉस रेडी की है, 2 चम्मच भर के हम सॉस डालेंगे। इस सॉस को आप स्प्रिंग रोल के साथ, समोसे के साथ या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी होती है और इसकी शेल्फ लाइफ भी 7 से 8 दिन तक होती है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काले मिर्च। चाहें तो आप इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। फिर डालेंगे हम इसमें बहुत सारी मेयोनीज। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमने पानी रखा था पास्ता का, वो हम इसमें डालेंगे। इसी से हमारी सॉस रेडी होगी। ये देखिए, सॉस हमारी रेडी है। हम इसमें उबला हुआ पास्ता डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें चीज़। मैंने चीज़ स्लाइस डाला है, आप क्यूब चीज़ भी डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको चीज़ पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। पिंक सॉस पास्ता सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे बच्चों को लंच में भी पैक करके दे सकते हैं और सर्दियों में तो गर्म गर्म ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मेयोनीज़ से गार्निश के लिए मैंने मेयोनीज़ को छोटे से पॉली बैग में डाल के आगे से कट करके इस तरीके से गार्निश किया है। इसे देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।